क्या होगा अगर आप एक साथ चार लोग का टिकट वेटिंग बुक कर रहे हों और चार्ट बनने के बाद दो लोग का ही टिकट वेटिंग कंफर्म हो पाया है और दो लोग का टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है, तो क्या वो दो लोग जिसका टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है क्या वो उस ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं और क्या उसका पैसा भी वापस आएगा जिसका उस ट्रेन में कन्फर्म टिकट नहीं हो पाया है। तो आज की इस वीडियो में आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू। दोस्त, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी प्रजापति और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए शुरू। जब भी आप एक साथ चार लोगों का या फिर पांच छह लोगों का टिकट बुक कर रहे हैं तो उस स्थिति में अगर वेटिंग टिकट है तो आपको चार्ट बनने तक इंतजार करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर उस ट्रेन का चार्ट बन गया है और आपका टिकट कन्फर्म, कुछ लोगों का टिकट कन्फर्म हो गया है और कुछ लोगों का टिकट कन्फर्म नहीं हो पाया है, तो उस स्थिति में जिसका टिकट कन्फर्म होया है सिर्फ वही जा पाएंगे और जिसका भी टिकट कन्फर्म नहीं हो पाया है वो नहीं जा पाएंगे और उसका पैसा वापस जरूर आएगा। लेकिन जिसका कंफर्म नहीं हुआ है उसका पैसा वापस करने के लिए आपको जा करके मैन्युअली कैंसिल करना होगा। जहाँ से भी आप बुक कराए हों या फिर खुद भी किए हों तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तभी पैसा वापस आएगा। अगर आप कैंसिल नहीं करिएगा तो वो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा, ऑटोमेटिक वो टिकट कैंसिल नहीं होता है, आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा। देखिए, आपने चार लोग का वेटिंग टिकट बुक किया था और चार्ट बनने के बाद अगर चारों टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का एक का भी कंफर्म हो गया है और तीन का कंफर्म नहीं हो पाया है तो आपको मैनुअली जाकर के कैंसिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पैसे रिफंड नहीं मिलेगा। अगर चार लोग का वेटिंग टिकट चार्ट बनने के बाद कंफर्म नहीं होता तो ऑटोमेटिक कैंसिल होकर आपका पैसा वापस आ जाता है। लेकिन अगर किसी का कंफर्म हो गया है और किसी का कंफर्म नहीं हो पाया है तो जिसका कंफर्म नहीं हो पाया है उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तभी आपका पैसा वापस आएगा, अदरवाइज आपका पैसा वापस नहीं आने वाला है। हाँ, लेकिन जिसका भी कंफर्म नहीं हुआ है वो उस ट्रेन में सफ़र भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सारे सवालों के जवाब आई थिंक इस वीडियो में मिल गए होंगे कि जिसका भी टिकट हम एक साथ बुक कर रहे हों और किसी का टिकट कन्फर्म ना हो पाया है तो वो उस ट्रेन में नहीं जा सकता है और उसको पैसा वापस लेने के लिए आपको कैंसिल करवाना जाना पड़ेगा, तभी पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।